पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ सियासत का गढ़ माना जाता है। किसानों की सियासत हो, बीजेपी की सियासत हो, समाजवादी पार्टी की सियासत हो, राष्ट्रीय लोकदल की सियासत हो, यहीं से शुरू होती है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में इन सियासतदान पार्टियों के प्रत्याशियों का काल पड़ गया है। नतीजा ये है कि अब बड़ी बड़ी पार्टियां यहां पर जो प्रत्याशी उतार रही हैं वो सब ऐसे हैं जो बाहर से इम्पोर्ट करके लाए जा रहे हैं। उनको पैरासूट प्रत्याशी का दर्जा मिल चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यहां से भानु प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बुलंदशहर के गाँव के मूल निवासी हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। दूसरे प्रत्याशी बीजेपी से आए हैं अरुण गोविल। रामायण देखी होगी आपने, उस रामायण के मुख्य पात्र रहे हैं, राम का किरदार उन्होंने निभाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बाहर से आने वाले प्रत्याशी हैं वो इस शहर के विकास में जीतने के बाद कितना अपना योगदान दे सकते हैं और उनसे जनता कितना फायदा पा सकती है। तो जमीनी प्रत्याशियों का जब अकाल पड़ा तब ऐसे प्रत्याशियों की ज़रूरत पड़ी जो पैरासूट से यहाँ लैंड कराए गए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं चाय के साथ, उनसे पूछेंगे कि ये जो प्रत्याशी हैं इनका इस चुनाव में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वकील साहब, आपसे बात शुरू कर लूं, आप क्या मान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अरुण गोविल भानु प्रताप ऐसे कैंडिडेट लेकर आ रही हैं, ये बम्पर गढ़ है, यहाँ बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के? ये बात तो सही है, भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ नेतृत्व की कोई कमी नहीं है और अरुण गोविल जी ये भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय मामले हैं कैंडिडेट का निर्णय करना, लेकिन इससे वोटर पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरुण गोविल जी यहाँ बड़े बहुमत से जी। पीछे स्ट्रेटजी आप क्या मानते हैं? आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी से ही चुनाव की शुरुआत होती है और बीजेपी वेस्टर्न यूपी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको ही हाईलाइट करती है, तो ऐसे में क्या उनके जरिए इम्पैक्ट देने की कोशिश है पूरे वेस्टर्न यूपी? नहीं, ये मेरा मतलब व्यक्तिगत राय है, जो अरुण गोविल जी का यहाँ से जो टिकट हुआ है, हो सकता है यहाँ के जो लोग टिकट में मजबूती से दावेदार थे तो उन सबको शांत करने के लिए एक नए चेहरे को यहाँ टिकट दे दिया, जिससे किसी में यहाँ आपस में विरोध ना हो। देखिए, नया चेहरा तो इसलिए नहीं कह सकते, घर घर में वो जाने जाते हैं और मेरठ में उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, तो इसके पीछे कुछ और आपको स्ट्रेटजी नज़र आती है पार्टी हाईकमान की? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा रीज़न तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे जो रीज़न नज़र आया वो यही है कि भाई अरुण गोविल जी के नाम पर शायद सभी यहाँ का जो दावेदार थे वे सहमत हो गए होंगे तो उन्हें दे दिया। चुनाव प्रचार जब होगा तो आप कैसा सीन देख रहे हैं जब वो किसी के दरवाजे पर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, क्या सीन होगा? देखो, भगवान राम के बारे में जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने जो चेहरा आता है वो अरुण गोविल जी का ही आता है, तो मतलब भगवान राम की जो प्रतिमा के बारे में सोचना और अरुण गोविल जी के बारे में सोचना एक बहुत ही अपने आप में रोमांचनीय क्षण रहता है, तो अरुण गोविल जी जब यहाँ आएंगे तो उन्हें भगवान राम का ही दर्जा मिलेगा, वही पांव छुए जाएंगे, आरती उतारी, वही सब कुछ होगा, एक माहौल बनेगा। बिल्कुल, एक माहौल बन गया, मतलब उनके नाम पे माहौल बन गया है। बाहर के प्रत्याशी यहाँ के तो सारे ढेर हो गए। सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो समर्पण है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अनुशासन और समर्पण की जो भावना कार्यकर्ता रखता है, मैं भी लोकसभा मांगा, मेरा भी आवेदन दिल्ली में पड़ा हुआ था, तो उसके बाद भी आप ये देखिए कि मैं सबसे पहले जब उनका टिकट हुआ तो सबसे पहले फेसबुक पे पोस्ट करने वाला व्यक्ति, उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुपों पर चलाने वाला, उससे पहले भी आप देखिए कि हमारा प्रत्याशी तो राजेंद्र अग्रवाल 3 बार के MP, उन्होंने कुछ ही नहीं लिखा, शुभकामनाएं भी नहीं जी। देखिए, राजेंद्र जी ने पहली बार वो बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीते, दूसरी बार उनका ग्राफ कम हुआ और तीसरी बार में ज़्यादा कम हुआ, तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व है सारी चीज़ों को देखता, प्रत्याशी को देखता। और रही बात जो है रामायण का किरदार निभाने वाले जो हमारे अरुण गोविल जी हैं, घर घर में जब हम 1990 के दौर में, 92 के दौर में जब हम छोटे थे, जब भी हम रामायण देखते थे तो महिलाएं बच्चे थे उस समय, जब भी एक आकर्षण जिस तरीके का रामायण में देखने पर वो जो इमोशनल आता था, वही भाव के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। भाव अलग चीज़ है, चुनाव अलग चीज़ है, वोट देना अलग चीज़ जी। तो अब मेरा कहना यह है, जिस तरीके के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, आप ये देखिए कि पैराशूट वो हैं
बुलंदशहर के रहने वाले हैं या बाहर के, बाहर से रहने वाले यहाँ दे दिए, ये तो यहीं के रहने वाले, यहीं इनकी एजुकेशन हुई है मेरठ के अंदर, थोड़े ही हुए यहाँ पे, पढ़ के चले गए पिताजी के साथ, तो पढ़े तो यहीं हैं, तो उनके जो और भाई वगैरह हैं और कुछ लोग हैं वो भी आज भी जो है कहीं यहाँ कोई नहीं रहता उनका, नहीं उनका जो भांजा वगैरह है वो मेरठ में रहता है शामनगर की तरफ। हाँ, और नई जानकारी तो मैं और उपलब्ध करा दूंगा आपको। और उसके साथ साथ देखिए, जो पैराशूट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी है, ऊपर से ऐसे प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया जिनकी मानसिकता हिंदू विरोधी। जो भाई ये बताओ आप मुझे कि एक जो कार्यकर्ता, आप मेरठ के रहने वाले हैं, बरसों से सेवा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तो क्या उनकी सेवा में कहीं कोई कमी रह गई थी जो बाहर के प्रत्याशी को वोट? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंबी लाइन थी, 35-40 बायोडाटा थे और सभी लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमें भी टिकट मिल जाए, हमें भी टिकट मिल जाए। हर कोई जो है, कोई विधायक है वो भी जो है सांसद का टिकट मांग रहा है, कोई राज्य मंत्री का दर्जा वो भी सांसद का टिकट मांग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पहले से ही यहाँ 10-12 पद पहले से उपलब्ध हैं, और अगर यदि यहाँ पे कोई अच्छा कैंडिडेट, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है, या अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, कोई संगठन ने निर्णय लिया है, तो उस संगठन का जो निर्णय है उसका हमें जो है हर तरीके से उसका स्वागत करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। 15 साल दरी उठाई राजेंद्र अग्रवाल के लिए, 5 साल इनके लिए। देखिए, राजेंद्र जी के लिए किसने दरी उठाई इसका जवाब तो वो देगा, लेकिन हम संगठन के लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। अरुण गोविल जी को चुनाव लड़ाया जाएगा, और जितनी वोटों से पिछले 15 सालों में राजेंद्र अग्रवाल जी नहीं जीते, उससे ज़्यादा वोटों से अरुण गोविल जी जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सचिन सिरोही, और ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही बीजेपी जिंदा है, मजबूत स्थिति में। आप बताओ संकी भाई, आपको क्या दिख रहा है, क्या नतीजे आने वाले हैं? कलाकारी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को जो टीवी के नाम है, जो फेक नाम कहूँगा, मतलब टीवी पे कलाकार आदमी है ना, कलाकार को मेरठ की जनता के बीच लाना पड़ा, जबकि मेरठ की जनता ये चाहती है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मुद्दों को जानता हो, सड़क पे जानता हो, लोगों को जानता हो, पहचानता हो, समस्याओं को जानता है। 70 ईयर्स ओल्ड एक प्रत्याशी उतारा है, 9.5 करोड़ युवा इस बार न्यू वोटर है देश के अंदर, तो उसके उस पर क्या इम्पैक्ट डालना चाहती है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है? युवाओं के के लिए ना तो भाजपा पे रोजगार है, ना युवाओं के लिए कोई रणनीति, ना कोई अब प्रत्याशी रहा, ठीक है ना? और यही आलम रहा तो युवाओं को रोजगार तो दिया ही नहीं। ये स्थिति तो समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, मतलब अकाल से पड़ रहे हैं, पार्टी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या, यहाँ पे अब सबको, सब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहते हैं। हम कल भी माननीय जी के साथ बैठे थे, तो सब लोगों की जी से मतलब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है ना, तो हम लोग वहाँ बैठे थे, तो सबकी स्ट्रेटेजी चेंज, सब जो पुराने नेता हैं वो पार्टियों पर कब्जा करना चाहते हैं, संगठनों पर कब्जा करना चाहते हैं, तो कुछ परिवर्तन ला के वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जो जैसे टोटली बाहर के प्रत्याशी आए, तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब नए को मौका मिलेगा। अगर इतना चिल्लाते थे बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, और जब चुनाव आया तो आपके जो प्रायोरिटीज हैं वो ही बदल गए। नहीं, यहाँ तो चुनाव में टक्कर आ गई है, अरुण गोविल के आने से थोड़ी सी टक्कर चुनाव में आ गई। पहले अगर यहाँ का कोई प्रत्याशी होता तो वास्तव में सर में कौन दिख रहा है आपको? नहीं, अब हमें लग रहा है कि जैसे भारी भारी दोनों प्रत्याशी जब लड़ेंगे तो शायद टक्कर आएगी। भारी कौन है दूसरा? दोनों भारी हैं, हमारी वाले भी भारी हैं, भानु जी भारी हैं, भानु प्रताप सिंह लंबे हैं, भारी नहीं है। हाँ नहीं, भारी बाहरी, अच्छा बाहरी प्रत्याशी। जी 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 जी, तो कहाँ वोट अपना दिख रहा है? अतुल प्रधान जैसे तो 1.25 लाख वोटों में निपट गए मेयर के चुनाव में। तो पिछली बार केवल, आप जानते हैं ना पिछली बार लोकसभा में क्या हुआ था, राजेंद्र अग्रवाल जी केवल 47-46 वोटों से जीते थे, और आपको भी पता है वो कैसे जीते थे। तो किसके ऊपर बंदूक रख रहे हो अपनी? हमारी बंदूक जनता के ऊपर रहेगी हमेशा, जनता जहाँ लड़ाएगी, जनता जिसे जिताएगी, जनता के सामने कौन देगा समाजवादी पार्टी को, ये तो बताओ। तो आरएलडी भी साथ नहीं है आपके? नहीं, तो हम आरएलडी को, तो आरएलडी के 9 जो विधायक दिए गए वो समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, है ना, और वो धोखा दे के गए हैं, ठीक है ना। अब हम तो जिसे उठा रहे हैं, समाजवादी जिसे उठा रही है वही धोखा दे रहा है। राजभर ने 2 विधायक बनाए थे, 6 विधायक बनाए थे, वो किसकी वजह से? समाजवादी की वजह से। पल्लवी पटेल, उनके जो 2 विधायक आए थे वो ना अखिलेश यादव ने, तो हमने धोखे ही खाए हैं, हमने तो यारी में धोखे खा लिए। तो कोई बात नहीं, आदमी ठोकरे खा के सीखता है, माननीय जी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि सिनेरियो जो होगा वो सपा के पक्ष में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, और ये कलाकार आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो मुखिया है जो वहाँ दिल्ली में बैठा है, दोनों को बड़ा मुखिया है, वो बड़ा कलाकार आदमी वो वहाँ बैठा है, छोटे कलाकार यहाँ भेज रहा है। कलाकार इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें मुसलमानों का वोट पाना है? नहीं, तो मुसलमान तो क्या देश के नागरिक नहीं है? मुसलमानों के पास क्या, तो मुसलमानों कंधे पे अपनी बंदूक क्यों रख रहे हो? नहीं, मुसलमानों के कंधे पे कहाँ बंदूक, हमारी तो पूरे ऐसी को देगा, आप क्या कर लोगे?
नहीं तो ओवैसी को क्यों देगा, ओवैसी तो यहाँ का है ही नहीं, ओवैसी का क्या मतलब है, ओवैसी तो भाजपा की भी टीम है, ओवैसी को क्यों देगा। अभी तो आप ये कह रहे थे कि सब भारत के नागरिक और अब जो है ओवैसी बाहर का हो। नहीं ओवैसी बाहर का है ना, बी टीम भाजपा की है ना, वो ओवैसी तो चाहता ही है कि समाजवादी पार्टी की वोट कटे, वो भाजपा का ही तो आदमी है, भाजपा का ही तो प्रोपेगेंडा सेट करता है। बताओ आप विरोध कर रहे थे कि भानु प्रताप का टिकट यहाँ से कटना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, कुछ हो रहा है? मैं भी संगठन का आदमी हूँ, बहुत मजबूत आदमी हूँ, और हमने कल भी यही बात कही कि साहब अगर हम प्रत्याशी चेंज करें तो हमारी जीत निश्चित है। अभी तो टक्कर में आए हैं कि अरुण गोविल आया है तो हम टक्कर में आए हैं, लेकिन अगर ये प्रत्याशी चेंज लेके आओगे किसको लेके आएंगे? देखिए ये मान्य जी का निर्णय, गद्दावर नेता, हम तो प्रत्याशी भी तो दे दो माननीय जी को। हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, भाजपा पे शायद कमी हो लेकिन हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। योगेश प्रधान है, योगेश वर्मा है, उसके बाद सन्नी गुप्ता है, अगर आपको नेताओं से अलग जनता के कौन है? सन्नी गुप्ता, सन्नी गुप्ता व्यापारी नेता है, व्यापारी राजनीतिक, कल हमारे साथ था और मान्य जी ने उसे बताया भी है कि आगे क्या करना है, और ठीक है आला कमान का जो निर्णय होगा, दिशा निर्देश होंगे, उसका पालन होगा। सपने ठीक देख रहे हैं भाई? हाँ सपने ही है जी, ये तो सपने देखने में तो कोई बुराई तो है नहीं, टैक्स नहीं लगता सपने देखने में, कोई भी आदमी देख सकता है, और सब चीजों में तो टैक्स है ना। ये जो बंदूक बार बार रख रहे हैं दलित मुसलमानों के ऊपर, इनका कैंडिडेट खुल के कहता है कि मैं यहाँ दलितों के और मुसलमानों के वोट लेने आया हूँ। इनका कैंडिडेट तो पहले ही हमारे हिंदू धर्म के जो हमारे देवता है, हमारे जो भगवान है जिन्हें हम पूजते हैं, उनके विरोध में पहले ही कितने बयान वो दे चुके हैं, तो अब उनके सामने ऐसा प्रत्याशी आ गया जो हिंदू देवताओं में जो सबसे सर्वोपरि है भगवान श्री राम है, उनकी उनका रोल जिन्होंने निभाया है वो हमारे अब कैंडिडेट आ गए हैं, तो अब उनके सामने कहाँ कोई खड़ा हो पाएगा। लाइन वैसे आपने सही पकड़ी है, इनके खिलाफ जो लाइन आप पकड़ रहे हो सही लाइन है, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे वो यहाँ से जीत भी जाते हैं, उनका खुद का बहुत बड़ा कारोबार फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ है, कितना समय दे पाएंगे मेरठ को, कितनी जरूरत? देखिए समय तो उन्होंने अगर चुनाव लड़ने का मन बनाया है या पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया तो कुछ तो सोच समझ के बनाया ही होगा, बहुत लंबा समय वो मुंबई में दे चुके हैं, उससे भी अब शायद ऐसी स्थिति में वो आ गए हों कि अब मन उब गया हो वहाँ व्यापार करके, कलाकार का अभिनय कर करके, तो अब जनता के बीच सेवा करने का मन हो तभी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार। 60 साल की उम्र में जनता के बीच सेवा करने का मन? 64 साल की उम्र है जी। 64 साल की, 52 का जन्म? 64 या मैंने तो मतलब इंटरनेट मीडिया उस पर देखा था, मुझे इतनी एक्यूरेट जानकारी तो नहीं है। 52 का जन्म है, 5वीं क्लास तक मेरठ में पढ़े, सरस्वती शिशु मंदिर में सदर बाजार। बड़ी जानकारी सपा वालों। हाँ रखेंगे जानकारी तो जी, रखनी भी चाहिए रखनी भी चाहिए, लेकिन देखिए भगवान श्री राम की छवि सारी मेरठ की जनता, पूरे देश की जनता उनके अंदर हमेशा से देखती हुई आई है, तो उस छवि का बहुत बड़ा लाभ उन्हें मिलने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सीता माँ को कहाँ से उतारेंगे हमें बता देना? सीता माँ तो जहाँ से उतरेंगी वहाँ से उतरेंगी, तो बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो सीता माँ को भी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, उन्हें क्वेश्चन भी लाएंगे के पास बहुत। अब टीवी से निकल के प्रत्याशी आएंगे है ना, भाजपा अब टीवी से प्रत्याशी दे रही है। पहले अपनी जमानत ही बचा ले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, इस बार जमानत जब्त होगी भानु प्रताप की, ये तो चुनाव। अरुण गोविल जी इतनी लंबी लीडों से चुनाव जीतेंगे यहाँ, जो आज लोग जो ये कह बातें बना रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी जीत होगी मेरठ लोकसभा की। मेरठ हॉट सीट हो गया, हॉट सीट है, जो गाजियाबाद से भी ज़्यादा अंतर से चुनाव जीते हो गया है मेरठ हॉट सीट भाई साहब। हाँ जी हमेशा से रही है, मैं तो वैसे रहता नहीं हूँ यहाँ, पर हाँ हॉट सीट तो रही है। आपको लग रहा है अरुण गोविल के आने के बाद माहौल बिल्कुल अलग होगा? मुझे ज़्यादा पता नहीं है यहाँ का, पर हाँ हो सकता फ़र्क पड़े। पसंद तो करते होंगे आप भी राम? मैं तो सबको ही पसंद करता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, राम जी है वो सब पसंद है, यहाँ तो बड़े सेकुलर विचार हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा इस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बोल दो भाई साहब, कब बोलोगे? ये जो भड़ास जो अंदर, यहाँ का पता नहीं है, पर एक्चुअली भाजपा मुद्दों पे तो चुनाव लड़ नहीं रही, बाकी जीतेंगे तो यही सबको ही पता है। अच्छा ऐसा क्या है कि मुद्दों पर तो चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन जीतेंगे फिर क्यों? सबसे बड़ी बात तो भाजपा का मैनेजमेंट है, मेरे हिसाब से पार्टी नहीं कंपनी है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी है, और नीचे से ऊपर तक सब कुछ सेट करके चलते हैं, हार भी रहे होंगे तो भी जीत जाएंगे। इतना तगड़ा मैनेजमेंट किसी का नहीं? नहीं है, नहीं है। होता तो जैसे इंडिया गठबंधन बना था, अगर वो गठबंधन वैसा का वैसा ही बना रह जाता तो बहुत दिक्कत होती भाजपा। अभी सिगूफे कम नहीं हुए हैं, चर्चा ये भी है कि 2-4 दिन में बहन जी इंडिया गठबंधन में, पता नहीं वो तो देखो बड़े लोगों का काम है, आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। बना दिया उन्हें पीएम का, उन्हें अगर दावेदार बना दिया
नहीं, उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ नहीं होता। पहले तो इनको अपना ग्राउंड लेवल पे मैनेजमेंट ही देखना पड़ेगा, वो है ही नहीं किसी भी पार्टी का। सब अलग अलग अपना, सब नेता बनने के चक्कर में कोई इधर उधर भागते रहते हैं। आप मान के चल रहे हैं 400 पार कर जाएंगे? नहीं, 400 पार तो नहीं होंगी, ये तो बेकार की बात है। लेकिन बहुमत में आएंगे, उसकी भी कोई अभी गारंटी नहीं है। बहुमत में अगर आने का इनको होता तो ये जो इन्होंने चक्कर चलाया है सारा, हर जगह से उल्टे सीधे लोगों को सबको घुसा लिया है और सारी चीज़ें एक तरफ रख दी हैं बिल्कुल, ये काम नहीं करते। मर्यादा नैतिकता ताक पे। हाँ, सब ताक पे है और चाहे कैसे भी करके चुनाव जीतने वाली बात। अच्छा, अगर भाई साहब इधर बात कर ले दो तीन सीटों की, जैसे मेरठ तो चलो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, मुजफ्फरनगर तीसरी बार संजीव बालियान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने का जो सिनेरियो वो भी आप देख रहे होंगे, दारा सिंह प्रजापति बसपा से कह रहे हैं कि संगी सोम ने साइलेंटली खड़े कर दिए, उधर हरेंद्र मलिक। इतना नहीं पता जी मुझे यहाँ का, पर मैं तो जो मेन देश के मुद्दे हैं उन पे तो चुनाव है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो सबको पता है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हो, ये उनको भी पता है कहीं ना कहीं। पर मैनेजमेंट जो मैं कह रहा हूँ, कंगना रनावत और अरुण गोविल जैसे नाम हैं, इन पे वोट पाएगी? हाँ, वो नहीं, हेमा मालिनी वहाँ से फिर से लड़ा रहे हैं, आज तक तो वो दिखाई नहीं थी पर कल परसों डांस कर रही थी, मैंने देखा टीवी पे, तो ऐसे ही हो सकता है इनके साथ भी ये हो। यहाँ ये अलग अलग चीजें हैं, नैतिकता ही नहीं, संविधान भी ताक पे है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नैतिकता ही नहीं, संविधान भी ताक पर है। आपको इधर से बैकअप मिला ना? नहीं 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 नहीं, संविधान भी, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि अगर यही भारतीय जनता पार्टी पुणे आई तो ये संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। बौखलाहट है, ये संविधान पे आएंगे, ये अभी मशीन पे भी आएंगे, हर चीज पाएंगे। और 400 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे कौन बोला? मैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे भी आप देख लो, 6,000 करोड़ का ही तो जो इधर आया, 1,400 करोड़ का तो जवाब ही नहीं दे पाए। पैसा किस किस से लिया? अरे तो 14,000 जो करोड़ है उसका, ये किस किस से? इन्होंने भी तो लिया, वो कहां है जान तक? जो औरों ने लिया उसका जवाब देने कहां है? बताओ कहां है ये अपना 1,000 करोड़ का चंदा? ये ये अपना तो जवाब दे पहले, जो देव विपक्ष है 14,000 करोड़ का जो इन्होंने लिया है उसका तो 6,000 करोड़ जवाब मांग रहे हैं। अरे वो तो दो विपक्ष से जवाब मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जो चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं वो आम तौर पर छोटी गलियों मोहल्लों में इसी तरह की आपको दिखेंगी, आने वाले दिनों में ये चर्चाएं और गर्म होंगी और चुनाव जो है वो भी आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल चुनाव जो है धीरे धीरे उठ रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।